वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स. टूडे विल डिस्कस RTP, November 2022. देखिए, हमेशा ही RTP में 90% पार्ट तो वो रहता है जो हमने रेगुलर सिलेबस में कवर कर लिया हो. हार्डली 10% एक्स्ट्रा हो सकता है, रादर आई शुड से हार्डली 5%. लेकिन RTP या MTP में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो इसमें MCQ दिए होते हैं ना, उसके आंसर ABCD करके दे देते हैं, उसके फुल सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो बच्चों को उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए बेसिक टारगेट तो हमारा है RTP के MCQ का फुल सॉल्यूशन. इसके अलावा हमेशा RTP में एक आध कुछ बात ऐसी कंट्रोवर्सियल रहती है, वो पर्पज है हमारा. तो लेट्स सी द पार्ट ऑफ RTP. तो जब आप ये वीडियो देखें तो RTP आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ आपको भी RTP रीड करनी है मेरे साथ साथ. बहुत से टीचर हैं जो टेक्स्ट को थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, थ्योरी में समझा दिया बस, टेक्स्ट कभी थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा. मेरा आज भी क्लास थी, मेरी रेगुलर क्लास, उसमें भी मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिए थे, उनसे कहा था आप सॉल्व करके देखो. पहले मैंने थ्योरेटिकली सब समझा दिया तो बच्चे कन्विंस हो गए, सर थ्योरेटिकली मैं सब समझा. मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूँ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने में हार्डली कुछ ही स्टूडेंट थे जो सॉल्व कर पाए. तो जो एक जो टीचर थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं टैक्स को, चाहे GST हो चाहे इनकम टैक्स, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थ्योरेटिकली मत पढ़ाओ बच्चों को, उनका फ्यूचर आप खराब मत करो. थ्योरेटिकली आपने पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नहीं सॉल्व कर पाएंगे. आपने जो थ्योरी पढ़ाई है कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल उसके करवाओ. करवाओ मतलब ऐसा नहीं खुद ही करने बैठ जाओ, बच्चों को करने दो. मैं क्वेश्चन स्टूडेंट को देता हूँ, आधा घंटा लगता है, फिर एक स्टूडेंट यहाँ सॉल्व करता है, उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है. तो मैं अपनी बात को कन्वे करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी को कि जो थ्योरी में पढ़ा रहे हैं ना टीचर, आप उनसे कभी मत पढ़ो. आपको लगेगा जैसे सब समझ गए, जब प्रैक्टिकल करने लगोगे तो सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, अब हम अपना RTP स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड तो आप कर लोगे, मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एक इंडिविजुअल है, इसके पास लैंड है, इस पर वो बिल्डिंग बनाना चाहता है. बिल्डिंग बनाने का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है. तो अंडरस्टूड है, वो किसी और पर्सन को अप्रोच करता है जिसके पास बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा और बिल्डिंग बनाने की चीज़ें आती है. तो ऐसे में इन दोनों का एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, दोनों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा. एग्रीमेंट में पर्सन कहेगा मेरी लैंड को आप संभाल लो, कंस्ट्रक्शन करके कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्टेड में दे दो, तो बाकी आप रख लो. इसको Section 45(5)(a) ने नाम दिया है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट. इसको नाम दिया है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मेरी लैंड है, मैं कहता हूँ बिल्डर को कि भैया लैंड तुम ले लो और तुम इस पर कंस्ट्रक्शन करो, मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूँ, करो यूज मेरी लैंड, और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो कुछ तुम मुझे दे देना, कुछ तुम रख लेना. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पर्सन ने कहा जी लैंड मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बदले में बिल्डर ने कहा मैं आपको 3 फ्लैट दूंगा, मैं आपको 3 फ्लैट दूंगा, और उन 3 फ्लैट का रेट दिया हुआ है, हर फ्लैट का रेट है 2 करोड़ 51 लाख, 2 करोड़ 51 लाख हर पर्टिकुलर फ्लैट का रेट है. 3 फ्लैट मिलेंगे, इतना पैसा तो ये मिल गया. प्लस बिल्डर ने कहा 1 करोड़ रुपया 100 लाख, 1 करोड़ रुपीज मैं आपको इसके अलावा और दे दूंगा. तो टोटल उसे मिला 251 × 3 प्लस 1 करोड़, जो टोटल अमाउंट मिला है, ये टोटल अमाउंट बन जाएगा 8 करोड़ 53 लाख, 8 करोड़ 53 लाख ये अमाउंट बन जाएगा. तो अब हमें इसमें से कैपिटल गेन निकालनी है. उस पर्सन ने जो अपनी लैंड हैंडओवर की है, लैंड हैंडओवर की है 25 जून 2019 को, फिर बिल्डर ने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है
वो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है 10/8/21 को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 19/20 में कैलकुलेट करेंगे या प्रीवियस ईयर 21/22 में कैलकुलेट करेंगे। अब जो इसका सेक्शन 45(5) है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस बात को लेके कैलकुलेट कब करेंगे। टैक्स तो 21/22 में ही होगा। जैसे आप ध्यान करो कंपल्सरी एक्विजिशन का पार्ट 45(5), ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि जिस साल में गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी उसमें कैलकुलेट करेंगे, टैक्स तब करेंगे जब पहला पेमेंट आएगा। लेकिन 45(5) ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन जब हम सेक्शन 2(47) को रीड करते हैं, 2(47) को, जिसमें ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है, उसमें लिखा हुआ है अगर आप अपनी लैंड बिल्डिंग को एसेट को किसी को हैंड ओवर कर देते हो और उसको फुल अथॉरिटी देते हो कि तुम जैसे भी चाहो उसे यूज़ कर लो, तो इसे ट्रांसफ़र माना जाएगा। अगर इस डेफिनेशन को मैं लेके चलूँ तो कैपिटल गेन 19/20 में कैलकुलेट होने चाहिए और टैक्स 21/22 में होने चाहिए, जिस साल में कि ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई है उस साल में होने चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो ये आरटीपी है इसमें जो सॉल्यूशन दिया है उसमें 19/20 में ही कैलकुलेट किया है, बिल्कुल ठीक किया है, इसी में कैलकुलेट किया है कैपिटल गेन। लेकिन पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये December 2021 का, वो क्वेश्चन था December 2021 का, क्वेश्चन नंबर था ये 2B। इसमें उन्होंने कैपिटल गेन जिस साल में बिल्डिंग बन के तैयार हुई है कंप्लीट हो गई है उस साल में कैलकुलेट किया, यानी 21/22 में। अब देखिए इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सजेस्टेड आंसर December 2021 का इस कैपिटल गेन को उस साल में कंप्यूट कर रहा है जिस साल में की बिल्डिंग बन के तैयार, जिस साल में की कंप्लीशन सर्टिफिकेट है बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, और आरटीपी से उस साल में सॉल्व कर रही है जिस साल में हमने लैंड हैंडओवर की थी। इन अदर वर्ड्स ये कंट्रोवर्सियल है, दोनों तरह से इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ऐसे भी ठीक है ऐसे भी ठीक है। तो हमने दो काम किए हैं, एक तो सारे एमसीक्यू के पूरे सॉल्यूशन पूरे निकाल दिए हैं, निकाल के अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और साथ में उसमें लिख भी दिया है ये का आंसर भी ठीक है ये आंसर भी ठीक है ये कंट्रोवर्सियल है, ठीक है। तो आपको अगर आरटीपी के आंसर से आंसर मैच करना है तो आप क्या करना, जिस साल में लैंड हैंडओवर किया है उसमें आप कैलकुलेट करना, ठीक है। एक तो पार्ट इसमें ये आएगा, दूसरा पार्ट ये आएगा जो 1 करोड़ रुपीज कैश दिया जाएगा उसके ऊपर लगेगा सेक्शन 194IC, ये सेक्शन लगेगा। और ये सेक्शन कह रहा है कि अगर इस तरह से बिल्डर कोई कैश पेमेंट देगा तो उसके ऊपर 10% की रेट पे TDS भी करना पड़ेगा। तो इसका पहला MCQ ये है कि बताओ TDS कितना होगा, 194IC में होगा और कितना होगा 10% की रेट पे 10 लाख। और दूसरा पार्ट ये है जो सेकंड इसका MCQ है, मैं रीड करता हूँ, तो सेकंड MCQ पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साक्षर इन रेस्पेक्ट एग्रीमेंट एंटर इनटू विद द हाईटेक लिमिटेड विच ईयर इट वुड बी टैक्सेबल। तो कैपिटल गेन का अमाउंट मांगा है तो हमने कैलकुलेट किया इसे 19/20 में, इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने और वो पूरा सॉल्यूशन अभी साइट पे अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, इसके नीचे इसका लिंक मिलेगा वहाँ से आप देख भी सकते हो। तो जितनी बात मैंने बोली है एक बार आप पार्टी में रीड कर लो, मैं सारे को दोबारा रिपीट करता हूँ और जो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया उस वाला सॉल्यूशन मैं लिख भी दूंगा, तो आप 2 मिनट का टाइम लगाओ एक बार आप इसको रीड कर लो।
हर भी देखिए, अब आरटीपी का ना फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं रीड करता हूँ। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। व्हाट वुड बी द टैक्स इफ एनी रिक्वायर्ड प्रोडक्टेड बाय हाईटेक लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद मिस्टर साक्षर। देखिए वो कह रहे हैं मिस्टर साक्षर जो ये पर्सन है, इसका एग्रीमेंट हुआ था हाईटेक लिमिटेड से। तो हाईटेक लिमिटेड ने कहा था भी 3 तो हम आपको फ्लैट दे देंगे, उसके साथ में 1 करोड़ रुपया और दे देंगे। 3 फ्लैट है 7.53 करोड़ के, साथ में 1 करोड़ और एक्स्ट्रा, टोटल 8.53 करोड़ बनेगा। अब जो सेक्शन 194 IC है, ध्यान करिए, हमने स्टडी किया था कि स्पेसिफाइड जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें अगर बिल्डर काइंड में देता है, जैसे 3 फ्लैट, उस पर कोई TDS नहीं, क्योंकि आप बताओ फ्लैट पे TDS कैसे होगा। ये थोड़ा उसकी छत काट के दे देंगे उसको, कभी बिना छत वाले फ्लैट ले ले, उसमें TDS हो नहीं सकता, कैश पे TDS होगा। और रेट क्या था? 10%। तो 1 करोड़ कैश के ऊपर 10% का TDS कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट आ जाएगा 10 लाख इज द आंसर। अब वो कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साक्षर सक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद हाईटेक लिमिटेड इन विच ईयर टू बी टैक्सेबल। अब देखिए इसके कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करते हैं। जो ये बिल्डिंग है, सॉरी लैंड है, ये खरीदने की डेट दी हुई है, इट वॉज परचेज ऑन 14/7/17, इस डेट को खरीदी थी। और जो हमने हैंडओवर किया है डेवलपमेंट के लिए, वो डेट है 25/6/19। तो हम चेक करेंगे ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। 2 साल से कम है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म होने से कैलकुलेशन हमारी ज़्यादातर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन रह जाएगी। अब देखिए 8.53 करोड़ का टोटल पेमेंट है। ये कैलकुलेशन हम उस साल में कर रहे हैं जिस साल में लैंड हैंडओवर किया है, प्रीवियस ईयर 1920 में यहाँ पे हैंडओवर किया। तो इसमें से कॉस्ट लेस कर दो, 80,50,000 कॉस्ट लेस कर दो, आ जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर हम इसको लेस कर देंगे वी शैल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल, और वो आएंगे 7,72,50,000। इतने कैपिटल आएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन सेज कि आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो ये हमारा आंसर आएगा कैपिटल गेन 7/72/50, दैट इज आंसर नंबर सी, चॉइस नंबर सी। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, हमारी साइट है mkgeducation.com। इस साइट पे आप जाएंगे, इस पर सीरियल नंबर डाल रखे हैं, आइकन नंबर डाल रखे हैं। तो इसमें आइकन नंबर 8 है जिसका हेडिंग है RTP MTP सजेस्टेड आंसर। इसमें जाएंगे तो आप उसको फुल सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा, कंप्लीट फुल सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन आपके सामने है, 8.53 माइनस करिएगा 80,50,000, ये आ जाएंगे शॉर्ट टर्म। तो फर्स्ट MCQ, सेकेंड MCQ दोनों को आप जरा अच्छे से देख लें, मैं थर्ड MCQ टेकअप करता हूँ। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड MCQ, डिटरमिन कैपिटल गेन और लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साक्षर
in respect of sale of two flats to Mr. Kevin. During 21-22, for the purpose of answering this MCU, we assume that no cash necessary was paid by Hi-Tech Limited Mr. Sakshar. अब देखिए, उस पर्सन ने दो फ्लैट बेचे हैं. उसने फ्लैट बेचा है 2,70,00,000 के हिसाब से एक फ्लैट, जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2.98. हमने कहा था जितने में बेचा जाएगा, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसके 110% तक है तो कोई बात नहीं, फिगर ले ली जाएगी. और अगर 110% से ज़्यादा है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी. तो इसमें अगर मैं इसका 10% और ऐड कर दूं तो ये बनेगा 2.97, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2.98. तो हम कैलकुलेशन करेंगे 2.98 से. हम ये मानेंगे सोल्ड फॉर 2.98, दो फ्लैट है जो 2.98 के हिसाब से बेचे हैं. इट मीन्स ये बेचे हैं 5.96 करोड़ के. हमें जो मिले थे वो मिले थे 2.51 × 2, इतने में मिले थे. तो दैट मीन्स 5.02 में हमें मिले थे, इतने में हमने बेचे हैं. डिफरेंस इज कैपिटल गेन कितना, 94 लाख. दिस विल बी आवर कैपिटल गेन. तो इसमें आंसर बन जाएगा डी, कैपिटल गेन इज दिस मच. रिपीट करो, मैं देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है जो दो फ्लैट थे, टोटल तो तीन फ्लैट थे, बेचे दो फ्लैट हैं, बेचे 270 के हिसाब से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 298 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचना अलाउड नहीं है. लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो एक्चुअल सेल वैल्यू है उसके 110% तक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो 110% से ज़्यादा है, तो इसे ये वाली सेल वैल्यू लेनी पड़ेगी 2.98. इसमें से कॉस्ट निकाल दो 94 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड का डी पार्ट, 94 लाख. फिर वो कह रहे जिसने खरीदा है, मिस्टर केविन जिसने खरीदा है उसकी इनकम बताओ. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 MCQ, जिसने खरीदा है वो है मिस्टर केविन, जिसने खरीदा है ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में खरीदना अलाउड नहीं है. 2.98 वाला खरीद लिया है 270 में, तो क्लियरली जो डिफरेंस है उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल गेन कितना, 28 लाख. और दो फ्लैट हैं 56 लाख. सेक्शन 56 210 में ये क्या बन जाएगा, गिफ्ट. अगर 10% तक का गैप है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो गैप 10% से ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या बनेगा, गिफ्ट 56 लाख. साथ में वो कह रहे हैं मिस्टर केविन की सैलरी इनकम भी है. सैलरी इनकम कितनी है, 30,50,000, ये उसकी सैलरी इनकम है. इसमें से स्टैंडर्ड ऑप्शन 50,000 का लेस कर दो तो आ जाएगी 30 लाख, और ये आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम. क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर केविन फॉर 21-22, तो उसकी इनकम बनेगी 86 लाख. सो आंसर बनेगा हमारा सी पार्ट. देखिए चार क्वेश्चंस को आप पहले आराम से देखो, फिर पांचवा टेकअप करते हैं. हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 ये कह रहा है व्हाट वुड बी
द टोटल डिडक्शन अवेलेबल अंडर रेलिवेंट इनकम टैक्स एक्ट गिवन टू मिस्टर साक्षर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए वो कह रहे डिडक्शन बताओ कितनी मिलेगी। तो देखिए लोन लिया है मकान बनाने के लिए, तो आपको पता है एक तो सेक्शन आ जाता है 24B, और हाउस है सेल्फ अक्वायर्ड, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 लाख। दूसरा आता है सेक्शन 80EEA, इससे मैक्सिमम कितना मिलता है 150, अगर इंटरेस्ट 350 हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो लोन लिया गया है वो है 35 लाख का, रेट दिया हुआ है 12%, लोन 1 जुलाई 2021 से है, दैट मीन 9 मंथ का। तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इंटरेस्ट कम्स आउट टू रुपीज 3,15,000। इट मीन्स 2 लाख ही हो जाएगा, और ये 150 मुझे नहीं मिल पाएगा, इसके बदले में कितना मिलेगा 1,15,000, सो दैट टोटल बिकम 3,15,000। तो फिफ्थ का हमारा पार्ट बन जाएगा पी पार्ट, इंटरेस्ट बिकम्स 3,15,000। 80EEA की कंडीशन सारी इस क्वेश्चन में फुलफिल हो गई है। जिस दिन लोन लिया है क्वेश्चन में लिखा उस दिन उसके नाम में कोई घर नहीं था, ठीक है। सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ 80EEA आर कंप्लाइड विद, हेंस डिडक्शन शैल बी अलाउड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा पर्सन की एज 65 ईयर्स है, लाइफ पॉलिसी लिया है, सम एश्योर्ड है 16 लाख, प्रीमियम पे किया है 170, और ये पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है, 1/11/14 को लिया है। 1/4/12 के बाद की जो पॉलिसी है उस पे मैक्सिमम रिडक्शन मिलता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 1,60,000। लेकिन 80C में 150 ज़्यादा मिलता ही नहीं है, इसका मतलब इस केस में जो रिडक्शन मिलेगा वो 160 भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 150। फिर वो कह रहे हैं मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है, मेडिक्लेम पॉलिसी 5 ईयर की है। तो यहाँ स्टूडेंट की एक कॉमन मिस्टेक होती है, जो प्रीमियम है ना सीधा वो 5 से डिवाइड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो हमने पॉलिसी ली है वो लिया है 1/11/21 को 5 ईयर की, तो इसका मतलब ये चलेगी 1/11/26 तक। अब इसमें आप प्रीवियस ईयर काउंट करोगे तो 5 + 6 आएंगे, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 and 26-27। देखिए ईयर 6 बन रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा 5 साल की है, बन 6 रहे हैं, 6 सालों में क्लेम करना है। तो प्रीमियम हमने कितना पे किया है 180 को कितने से डिवाइड करेंगे 6 से, तो हर साल का आ जाएगा 30,000। अब क्वेश्चन आया होगा 30 तो मिलेगा नहीं, 25 नहीं, सीनियर सिटीजन है 50,000 तक अलाउड है, 30 ये मिलेगा, 150 ये मिलेगा, टोटल मिलेगा कितना 180, और 180 का मतलब हुआ 6 का डी पार्ट 180, ठीक है। देखिए यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं, इतना पार्ट एक बार देखिएगा।
हाँ जी, जब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, इसमें जो पर्सन है वो एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है 2,25,000 पर मंथ। फर्स्ट मई से वो एम्प्लॉयड है, 11 महीने की सैलरी है 24,75,000। उसके बाद से डीए मिलता है, जो भी उसकी बेसिक पे है उसका 12%, दिस कम्स आउट टू बी 2,97,000। उसके बाद एम्प्लॉयर का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी सैलरी है उसका 11%, यानी सैलरी ये बनेगी डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो उसका 11% बना 3,04,920। लेकिन एम्प्लॉयर अगर 12% तक भी कंट्रीब्यूट करेगा तो टैक्सेबल नहीं है। यहाँ तो 11% कंट्रीब्यूट हुआ है, 12% तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉई ने भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट था जो कि हमारी बुक के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 273 पर है, जो हमने किया था क्लास में। एम्प्लॉई अगर 2,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो 2,50,000 के ऊपर का जो अमाउंट है उसका सारा इंटरेस्ट टैक्सेबल है। जो 9.5% का नॉर्मल एग्जम्पशन मिलता है इंटरेस्ट पर, वो नहीं मिलेगा। जो 9.5% का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें? वो कह रहे हैं जो एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का दोनों का मिला करके कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट हमने दिया आपको 49,325, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर का मतलब हुआ 3,04,920 इंटू 2 दोनों का आ गया। अब एम्प्लॉय का देख लो, 2,50,000 अलाउड था कंट्रीब्यूट करना, 3,04,920 किया है, तो ज़्यादा अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 54,920 ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो 54,920 का प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट निकाल के और सैलरी में ऐड कर दो। ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे और जितना इंटरेस्ट आएगा इस इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे पास लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 4,442। ये हम ऐड कर देंगे 4,442। दोबारा देख लीजिए इस प्रोविजन को, पहले था एम्प्लॉयर 12% ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एम्प्लॉय को जितना कंट्रीब्यूट करना करे और दोनों के इंटरेस्ट पर, दोनों के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा वो 9.5% पर अनंत तक एग्जम्प्ट है। फिर बाद में एक अमेंडमेंट आ गया कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर इस साल एक अमेंडमेंट आ गया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो 2,50,000 के ऊपर का जो अमाउंट है उस अमाउंट का पूरा पूरा इंटरेस्ट टैक्स हो जाएगा। अब वो कैलकुलेशन कैसे करें? पूरे साल का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट हमें दे रखा है, ये रहा पूरे साल का एम्प्लॉय एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो जो एम्प्लॉय का 2,50,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिगर आ जाएगी। उसके बाद जो अदर फैक्टर है वो हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। अब इस सारे को ऐड कर लें तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 27,76,442 ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। स्टैंडर्ड एक्शन 16(1)A का 50,000 लेस कर दें तो इनकम अंडर दैट सैलरी आ जाएगा 27,76,442 इनकम अंडर सैलरी। और अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो लेट्स सी ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन हमारी है ए पार्ट, सेवन्थ का ए पार्ट 27,26,442। ठीक है जी, मेन पार्ट क्या रहा? अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट है? एम्प्लॉयर 12% से कंट्रीब्यूट करो, 7,50,000 से ज़्यादा नहीं। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करो, 2,50,000 से ज़्यादा नहीं। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो 7,50,000 से कम है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,50,000 से ज़्यादा है,
तो जितना ज्यादा है उसका पूरा इंटरेस्ट हमने टैक्स करना है एम्प्लॉय वाले का। तो जब इस इंटरेस्ट को हम टैक्स करेंगे तो कैलकुलेशन क्या बनेगी, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई दिस। अब रही बात ये कौन से एडमिन टैक्स होगा, देखिए वैसे तो सैलरी एडमिन वो पेमेंट आनी चाहिए जो एम्प्लॉयर की वजह से है, ये तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सिस्टमेटिकली अगर बात करें तो अदर सोर्सेज एडमिन जाना चाहिए, लेकिन ये वंस अगेन कंट्रोवर्सियल है। मैंने क्लास में बताया था कोई खास बात नहीं है, आप सैलरी में टैक्स कर दो, आप अदर सोर्स में टैक्स कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी जो सैलरी इनकम है वो बताइए कितनी बनेगी। क्वेश्चन सेज व्हाट वुड द इनकम चार्ज पे अंडर दैट सैलरीज। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको सैलरी में ऐड कर दिया और ये जो आंसर हमारा बनेगा हम इसको अदर सोर्स में ऐड कर दें वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप एक बार आराम से इस क्वेश्चन को, देखिए प्लीज लास्ट एमसीक्यू एट्थ क्वेश्चन। यहां पर काजल इज जनरल मैनेजर ऑफ मैसेस गोल्ड लिमिटेड, सैलरी है 450 इंटू 12 54 लाख। इसमें नॉन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स जुड़े हुए हैं 50,000 पर मंथ के इंटू 6 लाख। देखो जो नॉन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स है, हमने कहा था सबकी टैक्सेबिलिटी अलग अलग है, रेंट पे अकोमोडेशन का अलग सिस्टम है, गार्डन वॉचमैन स्वीपर का अलग सिस्टम है, मोटर कार का अलग सिस्टम है। तो कह रहे वो बात तो हमने आपसे पूछी नहीं, हमने तो कह दिया ये टैक्सेबल है, इस 54 लाख में जुड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, 54 लाख में है। क्वेश्चन के एंड में वो कह रही है उसने ऑप्ट किया है 115 बीएसी में, इसका मतलब सैलरी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑप्शन हमें नहीं देना, 150 का पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें डिडक्शन नहीं देना, स्लैब हमें 115 बीएसी के लगाने हैं। तो ये ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, इनकम अंडर दैट सैलरी बन जाएगी, ग्रॉस इनकम भी बन जाएगी, और जो 115 बीएसी के स्लैब है उससे आप टैक्स निकालना, तो टैक्स आएगा 13,57,500। वो तो आप स्लैब पे टैक्स निकाल लोगे, ये टैक्स आएगा 13,57,500। अब ये क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% का सरचार्ज भी लगा देना, सरचार्ज लगा के आएगा टोटल 1493,250। पूरा कैलकुलेशन हमने अपनी साइट mkgeducation.com पर आइकन नंबर 8 है उसमें दे रखा है पूरा सॉल्यूशन, अगर किसी को लगता है फिगर मैच नहीं करती वहां से देख लेना, लिंक इस वीडियो के साथ देंगे हम, ठीक है। अब इसमें 4% का HEC लगा दो, 59730 टोटल कर लो, ये टैक्स आ जाएगा 15,52,980, ये टैक्स है। लेकिन जो नॉन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स है उसका टैक्स एम्प्लायर ने कहा मैं पे करूंगा। अब याद करिए सेक्शन 10(10)(c), यहां पर था नॉन मिलिट्री का टैक्स अगर एम्प्लायर देगा तो वो नंबर 1 सैलरी में नहीं आएगा, नंबर 2 एम्प्लायर इसे पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता, वो टैक्स सैलरी में नहीं आएगा और एम्प्लायर पे करेगा, तो इस टैक्स में से जितना एम्प्लायर ने पे कर दिया माइनस हो जाएगा, बैलेंस टैक्स इस पर्सन को देना है। तो देखिए टैक्स बना 15,52,980 और
इनकम है 54,000, तो 54 लाख का टैक्स इतना बना, तो जो 6 लाख की नॉन मल्टीप्लिकेशन उनका टैक्स इतना बनेगा, प्रोपोर्शनल टैक्स निकाल के इसमें से माइनस कर दो, बैलेंस अप्लाई भी करेगा, और ये टैक्स आएगा, इट इज़ 172,553.33, इसको लेस कर दो, बैलेंस टैक्स पे करना पड़ेगा, और बैलेंस आएगा 1384.26.67, राउंड ऑफ करें तो 1384.30, 427. वैसे तो हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन हमें जरा चॉइस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस क्या दिए हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्शंस में 30 है ही नहीं, 1384.27 है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू मैच। और इतना पैसा एम्प्लॉयर क्या करेगा, टीडीएस कर लेगा। तो क्वेश्चन था एम्प्लॉयर इसमें से कितना पैसा टीडीएस करेगा, इतना पैसा एम्प्लॉयर टीडीएस करेगा, ठीक है जी। दिस इज द 8th MCQ, एक बार इसको आप और अच्छे से देख लीजिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव है और इसके पूरे पूरे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व करना, डाउट है तो सॉल्यूशन से देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा या अलग से इसको साइट पे अपलोड कर दूंगा हमारी साइट पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करेंगे, 10, 11 अपने आप करेंगे, और 12 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको। क्वेश्चन 12 में एक जगह लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम टी बिजनेस ₹5,00,000। अब देखिए टी बिजनेस अगर खाली लिखते हैं तो इसका तो सारे बिजनेस की इनकम है। जो सॉल्यूशन में आंसर निकाला है वो मान लगा निकाला है ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो आप इसमें ये करेक्शन कर लेना कि इसको आप मान के चलना इनकम फ्रॉम ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, और अगर आपने खाली टी बिजनेस मानना है तो सारी इनकम को बिजनेस में डाल देना, और आप एक नोट दे देना कि हमने इसको ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना, रादर सिंपल इसको ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग माना है, ग्रोइंग नहीं माना, तो इन दैट केस ये पार्ट ठीक हो जाएगा। एक प्रॉब्लम आपको आएगी क्वेश्चन नंबर 13 में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है इसकी एडजस्टमेंट नंबर 3 में एक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द सुवीनियर इशूड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक। देखिए एक सेक्शन था ATGGB, एक सेक्शन था ATGGC, एक था 37(2)(b), इसमें था कोई इंडियन कंपनी डोनेशन देगी पॉलिटिकल पार्टी को तो अलाउड डिडक्शन,
इसमें था कोई और देगा तो भी अलाउड है। 37(2) में लिखा था किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देना अलाउड नहीं है। फिर हमने 80GGB में स्टडी किया था कि यहाँ पे इनफैक्ट वर्ड लिखा है कॉन्ट्रीब्यूट, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब कॉन्ट्रीब्यूट के अंदर अगर हम पब्लिसिटी करवाते हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा। इसलिए अगर कोई कंपनी है वो डोनेशन दे या न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड दे, दोनों तरह से 80GGB में कवर हो जाएगा। लेकिन कोई और पर्सन अगर ऐड देता है तो वो वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट कंपनीज एक्ट में है, इनके लिए नहीं है, इसलिए उस कॉन्ट्रीब्यूट में एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में जिसने डोनेशन दिया वो इंडिविजुअल है, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। तो इसके जिसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कॉन्ट्रीब्यूट के मीनिंग में नहीं आएगा, इससे 37(2)(b) में यह डिसअलाउ जाएगा। ठीक है, मैं सारा पार्ट अभी दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक बार आप एंट्री रीड कर लो, पेज 93 है RTP का, इसकी एंट्री रीड कर लो आप, फिर मैं बताता हूँ। हर भी देखिए इस बात को दोबारा से, जो सेक्शन 80GGB है और 80GGC है उससे वर्ड है, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, कॉन्ट्रीब्यूट में डोनेशन तो आएगा ही आएगा, प्लस कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि आप अगर उसके लिए कोई भी और कोई एक्टिविटी चलाते हैं जिससे कि उस पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिले, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट में आता है। अगर उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूट में आता है। तो इसके अंदर डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन कंपनी को अलाउड है। जब हम किसी और की बात करते हैं तो उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लग सकता, तो उसके केस में सिंपल डोनेशन की बात रहेगी, कॉन्ट्रीब्यूट में ओनली डोनेशन की बात रहेगी। दूसरी ओर सेक्शन 37(2)(b) है, ये कह रहा है एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में अलाउड नहीं है। तो ये तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, अलाउड नहीं है, लेकिन कंपनी इस कैटेगरी में आएगी तो कंपनी को अलाउ हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेक्शन 80GGB। यहाँ डोनेट करने वाला कौन है? इंडिविजुअल है, इसलिए उसको पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में दिए ऐड का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो एक बार ज़रा और इसको रीड कर लीजिए आप। जो कंपनीज एक्ट है 13 का, उसका सेक्शन 182 है जिसमें बात लिखी हुई है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में भी ऐड दोगे वो भी वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट में आएगा। तो इसलिए इंडियन कंपनी को तो एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ हो जाएगा, डोनेशन भी, बाकी सबके केस में कंपनी एक्ट तो लगेगा नहीं।
तो इनके केस में डोनेशन तो अलाउ होगा लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अलाउड नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट ऐसा हो सकता था जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था आपके लिए, तो वो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तो जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स की बात है, डायरेक्ट टैक्स में तो यही क्वेश्चन थे, अब जरा इनडायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का पहला क्वेश्चन है, मैसर्स डिलाइट ब्रदर्स पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन रेस्टोरेंट सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर द कंपटीशन लेवी स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट करंट फाइनेंस टर्नओवर इन द स्टेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज 12 लाख। देखिए अब ये जो कंसर्न है डिलाइट ब्रदर्स रेस्टोरेंट सर्विसेज और कंपटीशन स्कीम के अंदर कवर्ड है। आपको पता है रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए कंपटीशन स्कीम में कितना टैक्स लगता है, 2.5 + 2.5, और जो अप्रैल मंथ की टर्नओवर है वो दी हुई है 12 लाख। और पहला एमसीक्यू ये कह रहा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी मैसेज डिलाइट ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैक्स कैलकुलेट करो, तो 12 लाख × 2.5% ये बनेगा सीजीएसटी, ये बनेगा एसजीएसटी, तो ये बन जाएगा 30,000 और एसजीएसटी भी ऐसे बन जाएगा 30,000। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा पार्ट सी। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैसर्स डिलाइट ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सी पार्ट में ऑप्शन है CGST एंड SGST 30,000 ईच, तो ये बनेगा आंसर इसका। तो आप एक बार इतना पार्ट जरा रीड करो, पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। खरीदी मैसर्स डिलाइट ब्रदर्स पार्टनरशिप फॉर्म है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, कंपोजिशन स्कीम के सेक्शन 10(1) और 10(2) में रजिस्टर्ड है। कंपोजिशन स्कीम में आपको ध्यान हो एक और स्कीम थी 10(2A), बेसिकली सर्विसेज वालों के लिए, उनका रेट होता है 3% + 3%, इसमें रेट जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उनका रहता है 2.5 + 2.5। आगे देखिए इट रिसीव्ड न्यू ऑर्डर्स इन द मंथ ऑफ मे टू रन ए मैस फैसिलिटी सप्लाइंग फूड एट विश्वास पब्लिक स्कूल। अब देखो एजुकेशनल सर्विसेज में हमने डिस्कस किया था, अगर आप एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई सर्विस देते हैं, तीन टाइप की हमने कहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक प्ले स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी, एक रिकग्नाइज कोर्स और एक वोकेशनल। तो एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं एग्जाम टाइप, लेकिन अगर हम फूड की सर्विसेज कहें, सप्लाई ऑफ फूड की सर्विसेज कहें या ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज कहें या क्लीनिंग की सर्विसेज कहें, हाउसकीपिंग की सर्विसेज कहें, तो ये सिर्फ हम दे सकते हैं किसको, प्ले स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं न्यू ऑर्डर मिला है, न्यू ऑर्डर किसका है, विश्वास पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये तो जीएसटी से एग्जम्प्ट हो जाएगा। नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको अगर हमने मैस फैसिलिटी दिया टैक्स हो जाएगा। फ्रंटलाइन हॉस्पिटल, इसको दिया टैक्स हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल अगर सर्विस देता वो एग्जम्प्ट होती है, कोई अगर हॉस्पिटल को दे तो एग्जम्प्ट नहीं होती है। इससे रिलेटेड MCQ 2 है, आउट ऑफ न्यू ऑर्डर रिसीव्ड बाय द फॉर्म इन मे विच ऑफ द फॉर्म सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, तो इसमें जो ऑप्शन हैं इसमें आंसर हमारा आएगा सेकेंड का सी, ओनली वन में है सर्विसेज प्रोवाइड टू विश्वास पब्लिक स्कूल, इसको एग्जम्प्ट करेंगे, नर्सरी और प्ले स्कूल वाले को, नर्सरी प्ले स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी यहाँ तक एग्जम्प्ट है,
बाकी सबका टैक्सेबल है। तो आप एक बार फिर इस पैराग्राफ को जरा दोबारा रीड करो, साथ में दो एमसीक्यू अच्छे से देखो, फिर थर्ड एमसीक्यू पे वर्क करते हैं। अगले एमसीक्यू में देखो, वो कह रहे हैं हमने सर्विसेज प्रोवाइड की है। अगला पैराग्राफ रीड कर देता हूँ। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विसेज टू ए कोरल लिमिटेड कंपनी फॉर द एनुअल सर्विस आज 3 जुलाई। 3 जुलाई को हमने सर्विस दी है। इनवॉइस वॉज इशूड, नोट इशूड टू द कंपनी। हर पेमेंट वॉज 25 जुलाई, फॉर विच बैंक अकाउंट वॉज क्रेडिट 28 जुलाई। इसको अभी इनवॉइस इशू नहीं हुई। अगर 30 डेज में इनवॉइस इशू ना हो तो डेट ऑफ सप्लाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, TOS बनेगा 3 जुलाई। और अगर पेमेंट इससे पहले आती तो हम कंसिडर करते, इसके बाद वाली अकाउंट नहीं करेंगे, तो TOS इसका बन जाएगा 3 जुलाई। इसका MCQ देखिए, 3 जुलाई, 3rd का MCQ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू कोरल लिमिटेड कंपनी इज 3 जुलाई। एक बार रीड करिए, दोबारा बताता हूँ मैं। देखिए वंस अगेन, हमने सर्विस सिलेंडर की 3 जुलाई को, तो इनवॉइस आपको पता है 30 डेज में इशू करनी है, और अगर इशू कर दे तो इनवॉइस की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। 30 डेज से ज़्यादा निकल जाए फिर इस डेट को माना जाता है, और पेमेंट अगर इससे पहले आ जाते तो उसको माना जाता। तो इस केस में पेमेंट इसके बाद है, इनवॉइस इशू ही नहीं हुई, तो TOS क्या बनेगा? 3 जुलाई। जो पहला MCQ था उसमें वो कह रहे हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज है, कंपोजिशन स्कीम है, तो रेट क्या लगेगा? 2.5 + 2.5। फिर वो कह रहे हैं कैटरिंग सर्विसेज दी है, कैटरिंग सर्विसेज प्ले स्कूल या हस्ट कंट्री वाले को दिया तो एग्जम्प्ट है। कैटरिंग सर्विसेज अगर रिकॉग्नाइज डिग्री वाले को दिया तो टैक्सेबल है। कैटरिंग सर्विसेज अगर हॉस्पिटल को दिया तो टैक्सेबल है। तो पहले 3 MCQ को आप अच्छे से देखिए। चौथा MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए पैराग्राफ क्या कह रहा है? फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मैसर्स डिलाइट ब्रदर्स विल क्लोज डाउन रेस्टोरेंट बिजनेस एंड विल प्रोवाइड सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर। प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करना ये नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 10-1, 10-2 में आएंगे या वो 10-2A में आएंगे। देखिए गुड्स वाले 10-1, 10-2 में आएंगे, सर्विसेज वाले 10-2A में आएंगे, लेकिन उसमें एक पार्ट और था भी था, जितनी आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर थी उसका 10% और 5 लाख विच इज हायर, इतनी सर्विस तो आप कभी भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मीन्स अगर हम 10-2A में आते हैं तो सर्विसेज या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम 10-1, 10-2 में भी रहते हैं तो भी 5 लाख तक की सर्विस हम दे सकते हैं। लेकिन MCQ ने पूछा है कि भाई जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो एक ऑप्शन कह रही है कि वो इन सेक्शन में नहीं आ सकते, इसमें आ सकते हैं, तो RTP में आंसर इसको लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ये बनता है कि आप 10-1, 10-2 में भी आ सकते हैं जब तक आपकी सर्विस 5 लाख पूरी ना हो, और जब 5 पूरी हो जाए तो फिर आप 10-2A में आइएगा। देखो MCQ में रीड कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर
फर्स्ट ऑप्शन में डिलाइट ब्रदर्स कैन कंटिन्यू टू अवेल एग्जेम्पशन कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1)(10)(2). मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है, आगे होना चाहिए 5 लाख की सर्विस देने के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, डिलाइट ब्रदर इज नॉट एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1)(10)(2). मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, कैन नॉट अवेल नहीं, दे कैन अवेल 5 लाख की सर्विस तक, लेकिन RTP ने टिक किया सी पार्ट को, मोस्ट अप्रूव्ड ये है डिलाइट ब्रदर नॉट एलिजिबल, जबकि मेरे हिसाब से एलिजिबल है 5 लाख की सर्विस तक, बट कैन अवेल बेनिफिट अंडर 10(2)(a), क्योंकि प्योर सर्विस है। अल्टीमेटली तो 10(2)(a) में जाना पड़ेगा 5 लाख के बाद, प्योर सर्विस है तो मान के चलेंगे 5 लाख तो क्रॉस कर ही जाएंगे। बिकॉज कंपोजिशन स्कीम कौन लेता है, जो पर्सन रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन का मतलब है 20 लाख की टर्नओवर तो वैसी होगी उसकी, इसलिए हम कह सकते हैं ये अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी फोर्थ का सी पार्ट। डिलाइट ब्रदर्स कैन नाइदर अवेल 10(1)(10)(2) नो 10(2)(a), ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। फिफ्थ का आंसर है रेट ऑफ GST एप्लीकेबल सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशन मेड बाय मिस्टर डिलाइट ब्रदर्स विल बी। देखिए 10(2)(a) के अंदर रेट लगता है 3% + 3%, यानी 6%, तो फिफ्थ का आंसर बनेगा सी, दैट इज 6%। बस इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड आंसर दिए हुए हैं, आप सारे को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है, जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए, मैं उसको स्पेशली क्लैरिफाई कर दूँगा, ठीक है जी। तो आप RTP प्लीज़ कर लीजिएगा नंबर 22 का, इसी तरह से जब MTP आएगा तो मैं MTP ऐसे ही सॉल्व कर दूँगा। इसके अलावा जिस स्टूडेंट को जो डाउट हो मुझे अलग से व्हाट्सएप करना तो मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू।